हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको फिर एक बहुत ही खूबसूरत और मजेदार देश की यात्रा पर ले जा रहे हैं, जिसको इस दुनिया में पॉर्न स्टार यानी वैसी वाली फिल्मों के हीरोइनों का देश कहा जाता है। ये एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना केस्टल यानी किला मौजूद है। ये वो देश है जहाँ से एक फेमस कार की ब्रांड स्कोडा की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, आपके दिमाग में तो आ ही गया होगा। आज हम आपको चेक रिपब्लिक की यात्रा पर ले जा रहे हैं, तो फिर अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ डिजिटली चेक रिपब्लिक के सफर में। लेकिन हाँ, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों को मिस कर देंगे। चेक रिपब्लिक यूरोप महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि चारों ओर जमीन से घिरा हुआ एक देश है। मतलब दोस्तों, इस देश के पास अपनी कोई दरियाई सीमा मौजूद नहीं है और ना ही ये देश किसी भी तरह से समुद्र को छूता है। वैसे अगर हम इस देश की भूगोल की बात करें, तो जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया, ये यूरोप कॉन्टिनेंटल के एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसके चलते ये देश अपने चार पड़ोसी देशों से अपनी जमीनी सरहदें साझा करता है, जो है पोलैंड, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। चेक रिपब्लिक दरअसल इस देश का एक फॉर्मल नाम है, या फिर कहे तो एक ऑफिशियल नाम भी है। वैसे इस देश को चेकिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस देश की कुल क्षेत्रफल की बात करें, तो ये देश 78,867 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो एरिया के मामले में दुनिया में 115वें स्थान पर आता है। चेक रिपब्लिक का कुल आबादी 1,07,07,839 के आसपास है, जो कि पूरी दुनिया में जनसंख्या के मामले में 86 नंबर पर आता है। अगर हम डेंसिटी की बात करें, तो यहाँ पर आपको 139 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में दिख जाते हैं। यहाँ के 73% लोग बड़े शहरों में रहते हैं, तो वही मात्र 27% लोग गांव में रहते हैं। इस देश की राजधानी शहर है प्रागोए, जो इस देश का एक अहम और सबसे बड़ा शहर है, जिसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी। दोस्तों, इस शहर को द सिटी ऑफ 100 स्पायर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इस देश की करेंसी को देखें, तो यहाँ का करेंसी है चेज करूना, और भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत एक चेज करूना लगभग 4 रुपए के बराबर होता है। इसका मतलब ये देश टूरिज्म के यात्रा में होने वाले खर्चों के हिसाब से ज्यादा महंगा नहीं है। वैसे अगर हम कहीं भी किसी को फोन लगाते हैं, तो उसके लिए सभी कंट्री का एक अपना कॉलिंग कोड होता है। जैसे कि हमारे भारत का +91 है, उसी तरह इस देश का कॉलिंग कोड है +20, और इंटरनेट कंट्री डोमेन के तौर पर .cz साइन किया जाता है। दोस्तों, अगर इस देश में कुछ है, तो वो है सिर्फ बर्फ ही बर्फ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यूरोपियन कंट्रियों में से ये भी एक ठंडा और बर्फीला देश है। यहाँ पर आने वाले सैलानी खास तौर पर इस देश की बर्फीली वादियों और सिसत्ती ठंडी हवाओं में घूमने के काफी ज्यादा शौकीन होते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग हॉकी खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है, और विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नोब्राटिलोवा भी इसी देश के नागरिक हैं। दोस्तों, चेक रिपब्लिक का लिटरेसी रेट 99.8% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के सभी लोग एजुकेटेड हैं, और साथ ही यहाँ के सरकार भी शिक्षा को प्राथमिकता देती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि देश में 98% लोगों के पास रोजगार है। वेल, दोस्तों, आपने फोर्ट यानी कि किला तो देखे ही होंगे, और खासकर भारत जैसे देशों में जहाँ हर कुछ कदमों पर एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आता है, वहाँ तो बात इंतहाई आम हो जाती है। मगर इस मामले में ये चेकिया भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हर जगह कोई ना कोई किला मौजूद है, और साथ ही ये वही देश है जहाँ दुनिया का सबसे पुराना किला है। वैसे क्या आप जानते हैं कि रोबोट शब्द कहाँ से आया? अगर नहीं जानते तो अभी जान लीजिए, रोबोट शब्द इसी देश से ही आया है। जी हाँ, यहाँ के एक नागरिक जोसेफ चपेक ने इस शब्द की खोज की थी। वैसे ये बंदा एक राइटर और आर्टिस्ट है,
दोस्तों, अगर आप इस देश में घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगर आप कभी चेक रिपब्लिक चले जाते हैं तो आपसे जितना ज्यादा हो सके कैश के तौर पर चेज करोना ही कैरी करें। बाकी आप चाहे तो कैशलेस भी जा सकते हैं। लोकल पेमेंट्स के लिए वीजा, मास्टर कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये देश यूरोपीय संघ का हिस्सा होते हुए भी यहाँ पर आज तक यूरो को करेंसी के तौर पर नहीं अपनाया गया। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं दुनिया के कुछ सबसे प्राचीन एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक्स में से एक घड़ी का नजारा, और ऑब्वियसली ये घड़ी भी मौजूद है चेक रिपब्लिक में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बियर पीने के शौकीन हैं, तो फिर चेकिया की यात्रा आपके लिए शानदार होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी से भी सस्ता बियर मिलता है। और अंत में अगर आप सवाब और अपनी वैसी वाली हसरतों को पूरा करना चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की। चेक रिपब्लिक नाम के इस देश में जिस्म फरोसी बैन है, तो सिर्फ एक नाम के लिए, चोली और पर्दे के पीछे यहाँ पर सब कुछ खुलेआम चलता है भाई। वैसे दोस्तों, आप पेड सेक्स की बात तो छोड़ ही दीजिए, इस देश की शौकीन लड़कियों ने पॉर्न इंडस्ट्री में अपना खास नाम कमाई है। इस देश में पॉर्न स्टार प्रोड्यूस करने का ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतरीन है। वाकई में अश्लील और हवसी ख्यालातों के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं इन चेकियों ने। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, बियर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सस्ता है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ बियर का प्रोडक्शन अपने चरम पर है। शायद आप यकीन ना करें, यहाँ पर एक लीटर पानी की कीमत 13 करोनस है, और वही एक लीटर बियर खरीदने के लिए सिर्फ 7 करोनस ही आपको पे करने पड़ते हैं। वैसे यहाँ के लोगों का नारा भी यही है कि पियो और पीने दो। वाह भाई वाह, क्या बात है। वैसे दोस्तों, कुछ लोग एयर टिकट्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, और स्पेशियली जब बात यूरोपियन कंट्रीज की हो तो ये शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं चेकिया के लिए बेस्ट फ्लाइट ऑप्शंस। वेल दोस्तों, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप दिल्ली मुंबई जैसी किसी भी मेट्रो सिटी से ही इस इंटरनेशनल फ्लाइट को लें। फ्लाइट टिकट की कीमत की बात करें तो आप जानते हैं यूरोपियन कंट्री की हवाई यात्रा थोड़ी महंगी होती है। जी हाँ, यहाँ का फ्लाइट टिकट आपको 40,000 से 90,000 तक पड़ सकता है। और बात करें यहाँ के सफर में लगने वाले वक्त की, तो दिल्ली से प्रागवे तक का फ्लाइट समय 14 घंटे तक का हो सकता है। और एयरलाइंस की जहाँ तक बात है, तो यहाँ भी आपको ढेरों ऑप्शंस मिलते हैं। तो फिर अब चलिए, हम आपको चेक रिपब्लिक के उन तमाम जगहों को दिखाते हैं जहाँ पर आप जाकर घूम फिर सकते हैं और काफी एंजॉय भी कर सकते हैं। नंबर 1, प्रागवे। यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है प्रागवे। इस शहर की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी, जो आश्चर्यजनक कैथेड्रल, मध्ययुगीन वास्तुकला, जीवन संस्कृति, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन और ऊर्जावान वातावरण का एक जादुई शहर है। पर्यटक सबसे पहले इसी शहर में आते हैं। यहाँ पर देखने और घूमने के लिए रोमांचक चीजों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर स्थित पारागवे कैस्टल को देखना तो बिल्कुल ना भूले। सिटी लाइफ में भागती दौड़ती जिंदगी और डाउनटाउन में लॉन्ग ड्राइव, यही तो है दोस्तों इस शहर के नजारे। अगर आप चेक रिपब्लिक जा रहे हैं तो इस शहर में जाना बिल्कुल ना भूले। नंबर 2, टेल्क। दक्षिण के मोराविया क्षेत्र के इस शहर को 14वीं शताब्दी में बोहेमिया, मोराविया और ऑस्ट्रिया के बीच व्यापार की सुविधा के लिए इसे एक बंदरगाह के रूप में बनाया गया था। इस शहर का ऐतिहासिक केंद्र ईस्टर अंडे का रंग और पुनर्जागरण वास्तुकला का दावा करता है, जो देखने के लिए एक सुरम्य स्थान है। यहाँ के स्थानीय गौथिक महल को 17वीं शताब्दी में पुनर्जागरण शैली में रीमेक करने के लिए फिर से बनाया गया था। चर्च ऑफ द होली घोस्ट और स्थानीय जेसुइट चर्च फोटोग्राफी के लिए एक बढ़िया जगह है। वहीं वास्तुकला और इतिहास में शौकीन लोगों के लिए भी ये एक बेहतरीन जगह है। नंबर 3, कैस्की कुर्मलोव। दोस्तों, आप 13वीं शताब्दी के कैस्टल और एंशियंट सिटी का रुख करने के लिए नॉर्थ में मूव करें और स्पेशियली इस जगह के मजे लें। अगर आप कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखना चाहते हैं, तो चर्च ऑफ विक्टर एक इनिशिएट जगह है जहां पर आप जा सकते हैं और शांति के कुछ पल बिता सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप कभी चेक रिपब्लिक जा चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।